अंबाला शहर नई अनाज मंडी में किसानों ने बैठक का आयोजन किया और 31 जनवरी 2022 को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि 31 जनवरी को सभी किसान जिला स्तर पर डीसी ऑफिस पर एकत्र होंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन के समाप्त करने पर सरकार ने किसानों के साथ जो भी वादे पूरे करने की बात कही थी उसमें से केवल 3 कृषि कानूनों को वापस लिया, जबकि अन्य कोई दूसरा वादा पूरा नहीं किया। मोदी आपका क्या मुद्दा है, क्यों बैठक बुलाई गई? मेरा नाम अमरजीत सिंह मोड़ी। आज का हमारा मुद्दा यही रहा कि एक तो SKM की जो कॉल है, DC दफ्तर के बाहर धरना देना है, धरना प्रदर्शन करना है, जो सरकार ने इसको हमने SKM ने विश्वासघात दिवस के रूप में मनाना है। जितने भी हमारे किसान साथी शहीद हुए, किसी को कंपनसेशन जो परिवारों को मिलनी थी वो नहीं मिली, जो MSP की गारंटी कानून के लिए कमेटी बनानी थी वो नहीं बनाई गई, और जो लखीमपुर खीरी के अंदर नरसंहार हुआ था जिसके अंदर टैनी का बेटा सिट ने भी उसका नाम दे दिया है कि यह घटना जानबूझकर की गई है, उसका इस्तीफा नहीं अब तक लिया गया और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इन सभी मुद्दों के ऊपर 31 तारीख को सवेरे 10 बजे से लेकर शाम तक 5 बजे तक धरना प्रदर्शन करना है, और जो हमारी सरसों की खरीद के लिए किसानों को, अब की बार सरसों की फसल काफ़ी है, सभी किसानों को सजाद पर जाना पड़ेगा, उसके लिए सेक्रेटरी साहब से मिलने का प्रोग्राम बनाया है, और जो बेमौसमी बरसात की वजह से फसलों का, आलू का, सरसों का और गेहूं का बहुत बड़े लेवल पर अम्बाड़े के अंदर नुकसान हुआ है, तो सरकार से DDA से मिलकर और DC से मिलकर स्पेशल गिरदावरी और किसानों को पर एकड़ के हिसाब से ज़्यादा मुआवजे की डिमांड करें। ये मीटिंग एक तो हमारी सरसों की जो खरीद है वो अम्बाड़ा की अम्बाड़ा में होनी चाहिए, ना कि सजाद पर होनी चाहिए, एक तो मीटिंग का विषय ये है, और एक 31 तारीख को SKM की कॉल है सभी DC ऑफिस के पास हमें धरना देना है उस दिन 31 तारीख को, जो इन्होंने हमारी मांगे थी, जैसे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी और हमारे लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटना हुई उसके बारे में, और भी जो भी SKM की मांगे थी वो सरकार ने अब तक कोई भी नहीं मानी, सिवाय 3 काले कानून वापस करने की, और कोई भी इसके बाद ना ही किसी बात पर गौर करी। और इस विषय में 31 तारीख को DC दफ्तर के पास धरना देंगे, और जो सरसों की खरीद है उसके बारे में, एक जो बिन मौसमी बरसात हुई है इसका जल्द से जल्द स्पेशल गिरदावरी हो, और जिन किसानों का बीमा कंपनी ने किया हुआ है उनको कंपनी की तरफ से मुआवजा मिले, और जिन किसानों का बीमा नहीं हुआ है उनको सरकार की तरफ से ज़्यादा मुआवजा मिले।